वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत करते हैं जी तुहाडा नवी वीडियो दे नाल साडे यूट्यूब चैनल दीप टर्बनेटर दे उपर। सो वीडियो नूं आखिर तक जरूर देखियो ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करके जायो। श्री दरबार साहिब विखे अरदास दी मर्यादा। सचखंड श्री दरबार साहिब विखे रोजाना होण वालियां 12 अरदासां दी मर्यादा ते समें दी वडमुल्ली जानकारी। संगत जी, सचखंड श्री दरबार साहिब विखे 365 दिन रोजाना 12 अरदासां हुंदियां हन। सब तो पहली अरदास इशनान सेवा की आरंभता वेले हुंदी है। अरदास बिना माइक ते कीती जांदी है जिस विच सारी संगत खलो के हाजरी भरदी है। इस अरदास दा समा मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। दूजी अरदास इशनान सेवा तो बाद आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां पढ़ के बिना माइक ते कीती जांदी है। इस अरदास विच सारी संगत खड़ के हाजरी भरदी है। इस अरदास तो बाद कड़ाह प्रसाद दी देग भी वरताई जांदी है। अरदास दा समा भी मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। तीजी अरदास गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश अते हुकमनामे तो बाद रागी सिंघा वालों कीर्तन तो पिच आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां दे कीर्तन तो बाद माइक विच कीती जांदी है। इस अरदास विच श्री दरबार साहिब दी सारी संगत अते संसार भर विच लाइव कीर्तन दा आनंद माण रही संगत हाजरी भरदी। तीजी अरदास तो बाद संगतां विच कड़ाह प्रसाद दी देग भी वरताई जांदी है। समा मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। चौथी अरदास आसां दी वार दी संपूर्णता उपरंत माइक विच कीती जांदी है। इस अरदास विच श्री दरबार साहिब दी सारी संगत अते संसार भर विच लाइव कीर्तन दा आनंद माण रही संगत हाजरी भरदी है। मौसम अनुसार इस अरदास दा समा भी बदलदा रहिंदा है। पंजवीं अरदास दिन दे 12 बजे आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां दे बाद बिना माइक तो कीती जांदी है। इस अरदास विच दरबार साहिब दे अंदर मौजूद सारी संगत खड़ी हो के हाजरी भरदी। अरदास उपरंत कड़ाह प्रसाद दी देग वरतदी है। इस अरदास दा समा मौसम अनुसार बदलदा नहीं, लगभग पक्का ही है। पर गुरपुरब वाले दिन यह समा 11:40 का हो जाता है। छेवीं अरदास चरण कमल दी चौंकी दी अरदास है। रोजाना दोपहर 3 बजे बिना माइक तो यह अरदास हुंदी है। दरबार साहिब दे अंदर मौजूद सारी संगत इस अरदास विच खड़ के हाजरी भरदी है। इस अरदास दा समा मौसम अनुसार नहीं बदलदा, ठीक 3 बजे रोजाना यह अरदास कीती जांदी है। सचखंड विखे 7वीं अरदास उधर लहराज दे पार तो उपरंत रोजाना माइक विच कीती जांदी है। इस अरदास विच श्री दरबार साहिब दी सारी संगत अते संसार भर विच लाइव कीर्तन दा आनंद माण रही संगत हाजरी भरदी है। मौसम अनुसार लहराज साहिब दे पार दा समा बदलन करके इस अरदास दा समा भी बदलदा रहिंदा है। संगत जी, 8वीं अरदास आरती तो बाद छोटी अरदास दे रूप विच बिना माइक तो कीती जांदी है। इस अरदास समय गुरु के कीर्तनिए अते संगतां बैठियां रहिंदियां हन। इस अरदास दा समा भी मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। 9वीं अरदास चौंकी दी अरदास बिना माइक तो हुंदी है। इस अरदास दे समय दरबार साहिब दे अंदर वाली संगत बैठी रहिंदी है, पर चौंकी विच हाजरी भरन वाली संगत अते दर्शना लई आई संगत श्री गुरु रामदास जी दे बिलकुल सामने खड़ के चौंकी आरंभ करन दी पुरातन मर्यादा अनुसार अरदास करदी है। इस अरदास दा समा भी मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। पुरातन मर्यादा अनुसार इस अरदास वेले दरबार साहिब दे अंदर शब्द कीर्तन बंद हो जांदा है अते इस अरदास दे बाद दरबार साहिब दे बाहर जयकारा भी गजाया जांदा है। श्री दरबार साहिब विखे 10वीं अरदास दूजी चौंकी दी आरंभता वेले पहली चौंकी तों करीब 20 मिंट बाद हुंदी है। इस अरदास दे वेले दरबार साहिब विखे शब्द कीर्तन चलदा रहिंदा है। अंदरली संगत बैठी रहिंदी है, पर दरबार साहिब दे बाहर वाली संगत अते चौंकी वाली संगत हाजरा हजूर सतगुरु श्री गुरु रामदास जी दे सन्मुख बाहर खड़ी हो के अरदास करदी है। इस अरदास दा समा भी मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। 11वीं अरदास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सुख आसन सेवा अते 16 बाणी पढ़न तो बाद बिना माइक दे कीती जांदी है। दरबार साहिब अंदर मौजूद सारी संगत इस अरदास विच खड़ के हाजरी भरदी है। इस अरदास दा समा भी मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। 12वीं अरदास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सुख आसन होण तो बाद चंदोआ उतारन अते सारी सुखी सेवा करन उपरंत आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां तो बाद बिना माइक दे कीती जांदी है। इस अरदास विच सारी संगत खड़ के हाजरी भरदी है, उपरंत कड़ाह प्रसाद दी देग भी वरताई जांदी है। समा मौसम अनुसार बदलदा रहिंदा है। संगत जी, सचखंड श्री दरबार साहिब विच साल दे 365 दिन रोजाना यह 12 अरदासां हुंदियां हन, पर कुछ भावना वाले गुरसिख
ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।